वेलकम बैक। और इस साल अभी फर्स्ट टाइम मैं ट्राई करने वाली हूँ कि मैं गणेश जी की मूर्ति बनाऊँ, और मैंने पहले बिल्कुल भी कभी भी नहीं बनाई है, क्योंकि हमारे एक्चुअल घर में, मतलब इस घर में गणपति नहीं होते, मेरे मामा के घर पे होते हैं और काका के घर पे होते हैं। सो मैंने सोचा इस बार काका के घर के लिए मैं एक मूर्ति बनाने की कोशिश करूँ, मुझे पता नहीं कैसे होगी। सो अभी मैं आपको उसी की प्रेप दिखाने वाली हूँ। और बाय द वे, मैं आज ही जाकर आई हूँ पाबे और मढ़े घाट को। सो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो पहले उसको प्लीज़ देखिए और फिर ये वीडियो देखिए। सो देखते हैं अभी मैंने क्या किया है। अभी मैं मेरे बाथरूम में हूँ और मेरे पास इधर है हमारी नॉर्मल मिट्टी, जो हमारे घर में हम गार्डनिंग करते हैं उसके लिए यूज़ करते हैं। और आप अगर देख पाए तो ये बहुत ही बड़ा बकेट है और इसमें मैंने ऑलमोस्ट आधी मिट्टी ली है। मैं बता पाई तो डिस्क्रिप्शन में इसकी प्रोपोर्शन बता दूंगी। और अभी मैं इसमें पानी ऐड कर उसको पूरा भिगाने वाली हूँ। नाउ इट्स टाइम टू मिक्स। ओ माय गॉड। और जो कुछ भी पत्थर होंगे वो निकल जाएंगे, और फिर वो जो मिट्टी होगी वो हम एक क्लॉथ में बांधकर उसमें से भी पानी होगा वो निकालेंगे। सो देखते हैं अभी क्या होता है। फाइनली आफ्टर हाफ एन आवर खत्म हुआ, और जो छोटा सीव हम ले रहे थे उसमें से मतलब होने ही नहीं वाला था, इसलिए इतना बड़ा सीव लेना पड़ा। और अभी आपको जो दिख रहा है ये तैयार है, और अभी हमें ये कुछ घंटों के लिए मिनिमम कई बार ऐसे ही रखना है, मतलब जो पानी होगा वो ऊपर आ जाएगा और मिट्टी नीचे सेटल हो जाएगी, और उसके बाद जो ऊपर वाला पानी है वो निकाल के कौन से तो कॉटन के कपड़े में ये पूरा जो ये जो मिट्टी होगी वो पैक करके रखनी है कल। सो कल उसके बाद वो पैक की हुई मिट्टी जो कॉटन में होगी उसको भी अराउंड 5 से 6 घंटे रखना है उसमें से पूरा पानी निकालने के लिए, और उसके बाद हमें अच्छा क्ले मिलेगा। तो हमने जो कल रखा था मिट्टी का, उसमें से बहुत ही सारा पानी सेपरेट हो गया है। लेट मी शो यू। तो इधर क्लियर वाटर का लेयर है जो मुझे अभी निकाल देना है, और इसमें इतना ज्यादा नहीं है क्योंकि इसमें ज्यादा प्योर मिट्टी है। ऊपर का पानी निकालने के बाद ये मिट्टी बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही है और सॉफ्ट भी दिख रही है। मेरे पास ये बहुत ही पुराना लेकिन प्योर कॉटन का पिलो कवर है, तो ये जो मिट्टी है ये मैं इसमें स्ट्रेन करके, जैसे हम हंग कर्ड बनाने के लिए यूज करते हैं कपड़ा, वैसे मैं इसको यूज करने वाली हूँ। आई समहाउ मैनेज टू डू दिस, सो अभी होपफुली जल्दी अच्छा हो जाएगा। ये मिट्टी जो हमारी है वो कल से बहुत ही ज़्यादा अच्छी बन चुकी है, मतलब इतनी भी गीली नहीं लग रही अभी। सो ये मिट्टी अभी है, और मेरा जो केक वाला फेस था वो फोंडेंट का केक बनाने के वक्त ये सब टूल्स लगते थे, तो अभी ये भी मुझे हेल्प करेंगे गणपति बनाने के लिए। और एक मेरे पास एक टाइल थी जब हमारा बाथरूम का रिनोवेशन चल रहा था, तो वो टाइल यूज़ करूँगी। इधर है थोड़ा सा नारियल का तेल और इधर हमारा वाटर। हम 2 घंटे बाद, अभी 1 बज चुका है, तो ये है प्रोग्रेस। ये है पाव।
11 बजे से कर रही हूँ. तो ये है हमारा गणपति. थोड़ा हैवी है लेकिन मैं बहुत खुश हूँ. आपको कैसा लग रहा है ये प्लीज बताइए. और मैंने जिस वीडियो को देखकर ये बनाया उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी. सो प्लीज बताइए आपको ये कैसा लगा और आप ट्राई करने वाले हैं या नहीं. और अगर आप ऐसे हो कि आपको लगता है कि अरे नहीं मुझे ऐसी मूर्ति लगती है नहीं तो उसको प्रॉब्लम हो जाएगा, लेकिन ट्रस्ट मी अगर आप इतनी मेहनत से बनाओगे तो जरूर गणपति आपके पसंद हो जाएंगे. सो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कॉमेंट कीजिए और सी यू सून. लव यू, बाय. ये है अपडेट. मैंने थोड़ा सा चेहरा बदला है क्योंकि बाबा को लग रहा था कि बॉडी से चेहरा थोड़ा छोटा है जो कि एक्चुअल में था. सो ये है अपडेट. आई होप यू एंजॉयड इट.